हिमाचल प्रदेश अपनी प्राचीन देव संस्कृति के लिए विश्व विख्यात है। प्रदेश में कई ऐसे देव स्थल हैं जिनके इतिहास को लेकर आमजन को विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है। इतिहास में पहली बार आज उज्जवल हिमाचल एक ऐसे ही महाभारतकालीन देवता देव द्वाली के दो शमशान घाट के मध्य स्थित मूल स्थान लियाड मंदिर का रहस्य बताने जा रहा है। देव द्वाली का मूल स्थान जिला मंडी की करसोग नगर पंचायत के गांव लियाड में लादेश्वर महादेव के नाम से मौजूद है। हैरानी की बात ये है कि इस मंदिर का निर्माण दो शमशान घाटों के बीचों बीच किया गया है। इन शमशान घाट में किसी शव का अंतिम संस्कार करने से पहले मंदिर के प्रांगण में बनी जगह पर लाना अनिवार्य है। इसके उपरांत ही शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। मान्यता अनुसार करसोग को महाभारत के समय पंचकर के नाम से जाना जाता था और अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने करसोग पहुंचने पर दैत्य वकासुर के उत्पात से आमजन को इस पर स्थानीय लोगों को उनकी दुख से निजात दिलवाने के लिए 3 दिन तक चले युद्ध में बकासुर का सहार कर लोगों को राहत प्रदान की गई। इस उपरांत देव द्वाली ने जन कल्याण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई स्थानों पर अपना स्थान बनाया। लियाड मंदिर के आंगन में बकासुर की छाती पाषाण रूप में आज दिन तक मौजूद। लियाड मंदिर में 5 शिवलिंग मौजूद हैं, जिस कारण इसे पंचमुखी महादेव के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस प्राचीन मंदिर में महाभारत की संपूर्ण युद्ध का चित्रण आज भी पत्थरों पर मूर्ति के रूप में मौजूद है। मंदिर में भीम और बकासुर के बीच हुए घमासान युद्ध को लेकर कालचक्र और 3 दिन तक चले इस युद्ध पर भीम द्वारा खुद पत्थर की एक शिला पर 3 रेखाएं उकेरना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है। यह मंदिर लियाड देवते के नाम से प्रसिद्ध है और इसे देवद्वाली के मूल स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ पे भगवान शिव व देव द्वाली का भी ये मूल स्थान माना गया है और यहाँ पर महाभारतकालीन की काफ़ी भीम व बकासुर के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसमें भी उसके शिलाओं के रूप में यहाँ पे पर अभी तक शिलाओं के रूप में प्रमाण इस मंदिर के प्रांगण में स्थित है। और साथ में जब महाभारत के समय भीम व बकासुर के समय के बीच में युद्ध हुआ था तो उसकी जो छाती जो है वो पत्थर के रूप में यहीं पे अभी तक विद्यमान है और इस मंदिर के सम्मुख और पीछे की तरफ दोनों तरफ शमशान घाट विराजमान है और यहाँ के जितने भी कम से कम 5 या 10 हज़ार लोगों का यह पवित्र स्थान माना जाता है। शमशान घाट पवित्र स्थान माना जाता है तथा जितने भी यहाँ पे डेड बॉडी यहाँ पे आती है सबसे पहले इस मंदिर के प्रांगण में रखी जाती है और उसके बाद ही उनका दाह संस्कार किया जाता है। और इस मंदिर को महाभारत के समय में पंचक्र व चक्रा नगरी के नाम से भी जाना गया है। और अभी और यहाँ पे हमारे पाषाण मूर्तियाँ जो कि इस मतलब इस मंदिर की शोभा भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पूरा प्रमाणीकरण करते हैं कि भीम और बकासुर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका अभी तक अभी भी मतलब उस युद्ध के प्रत्येक प्रमाण इस मंदिर में विद्यमान है।